नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की धर्म से जुड़ी बड़ी खबरों से। केरल में तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। ये रहस्य है एक दरवाजे का, जिसे आज तक कोई खोल नहीं सका। माना जाता है कि उसे केवल कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो इसे खोल सके ऐसा कोई सिद्ध पुरुष पूरी धरती पर नहीं है। यह भी माना जाता है कि ये दरवाजा भगवान तक जाता है। आखिर क्या है इस दरवाजे का रहस्य? क्या सचमुच इसके पीछे भगवान तक पहुंचने का रास्ता है? इस मंदिर के गर्भगृह खजाने में 2,00,000 करोड़ का सोना है, और इतिहासकारों के अनुसार वास्तविकता में इसकी ये अनुमानित राशि इससे कहीं 10 गुना ज्यादा होगी। इस खजाने में सोने चांदी के महंगे चेन, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां, रूबी जैसी कई बेशकीमती चीजें हैं, जिनकी असली कीमत आंकना बेहद मुश्किल है। मंदिर में पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति की स्थापना कब और किसने की, इसकी कहीं कोई ठोस जानकारी नहीं है। त्रावणकोर के इतिहासकार डॉक्टर एल ए रवि वर्मा के अनुसार ये रहस्यमय मंदिर 5,000 साल पहले कलयुग के पहले दिन स्थापित हुआ। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले ही जा सकते हैं, पर यहाँ प्रवेश के लिए एक खास वस्त्र धारण करना भी जरूरी है। ये दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। कुछ अन्य कहानियों के अनुसार 6वीं सदी में त्रावणकोर के महाराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और अपने बेशकीमती खजाने को मंदिर के तहखाने में और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था। कई 100 सालों तक किसी ने इसके दरवाजे खोलने की हिम्मत नहीं की। बाद में इसे शापित माने जाने लगा। मंदिर में 6 तहखाने हैं जो शापित माने जाते हैं, खासकर मंदिर का 7वां द्वार। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अंदर से जहरीले सांप निकलने लगे और सभी मौत को प्यारे हुए। माना जाता है कि तहखाना को इस मंदिर का 7वां द्वार भी कहा जाता है। सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है इसे। किसी भी आधुनिक मानव निर्मित तकनीक या दूसरे मानव प्रयासों से खोलने या ऐसा करने की कोशिश की दिशा में मंदिर नष्ट हो सकता है और यह प्रलयकारी भी सिद्ध हो सकता है। अब तक लिए बस इतना ही। ऐसी ही धर्म से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।